हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। क्योंकि मैं आज ला चुका हूँ आपके लिए एक फाड़ू सा ग्लिचर दो सीक्रेट प्लेस के बारे में बताने जा रहा हूँ, जहाँ से बैठ के आप एनिमी की गेम बजा सकते हो। तो यार, ये इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है और एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ। तो यार, एक लाइक कर दो जल्दी से और एक छोटा सा कमेंट कर दो कि कैसा लगा वीडियो, और अंत में आप तो एक यार आपको पता सब्सक्राइब चल कर ही देना गया मेरे होगा कि चैनल ये को। हमारा तो भाई मिलिट्री मेरे बेस दिल है। को बहुत तो ये तसल्ली जो होगी। घर है, घर के बीच में दो पिलर है, पिलर के बीच में आपको गाड़ी को रखना है, यूएसजेड को। अगर आप चाहते हो कि आपके पास यूएसजेड नहीं है तो आप यूएसजेड के बिना भी कर सकते हो, लेकिन आपको ये थोड़ा हार्ड लगेगा। हार्ड है, बहुत ही हार्ड है। मतलब घर के जो दरवाजे है, दरवाजे के कार्निस पे चढ़ना ऐसी आसान नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको यूएसजेड के बिना भी करके दिखाऊंगा, यूएसजेड में भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये है यूएसजेड वाला, जो यूएसजेड के सपोर्ट से मैं उठा। तो ऐसे उठने के बाद आपको क्या करना है, आपको फिर से जंप बटन प्रेस करने के बाद आप उठ जाएंगे इसके ऊपर। और गाइस, आपको कोई सोच भी नहीं सकता आप ऐसे ऊपर है और आप एनिमी को मार सकते हो, यहाँ से फ्री में मार सकते हो। यार, वो समझ भी नहीं पाएगा कि कहाँ से मारा। तो आप देख सकते हो कि ये यूएसजेड के बिना था, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ कहाँ छुप सकते हो, और बहुत सारी प्रोटेक्शन वाली जगह है जहाँ पे आप लेट के मार सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर भी चढ़ते हैं, यहाँ पे 3 स्टेप आप ऊपर जा सकते हो, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर। तो यार, यहाँ से आप स्कोप कर सकते हो वॉच टावर पे, वो जितने भी सारा टावर है उस टावर के आप ऊपर आसपास आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छी जगह है ये। तो ये एक अच्छी छुपने की जगह है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट छुपने की जगह पे, जो है हमारे मिलिट्री बेस में। तो गाइज, आपको सीक्रेट जगह में जाने के लिए इस जगह में तो आपको फिर से एक यूएसजेड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, सिंपली यूएसजेड लेना है, उसके ऊपर प्लेस करना है। आप जैसे ही कंटेनर के ऊपर चढ़ेंगे, आपको एक इंजन देगा, इंजन के ऊपर आपको क्या करना है, जंप करना है। जैसे ही करेंगे आप उसके ऊपर होंगे गाइज। तो इसके ऊपर भी जाता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके ऊपर मैं गया था, लेकिन किस्मत देखो मेरा मेरा वीडियो बंद हो गया था। तो यार, आपको दिखा देता हूँ आपको कैसे चढ़ना है। आपको ये यहाँ पे जाना है मीट पे, फिर ऐसे कूदना है गाड़ी के ऊपर, ठीक है। अरे भाई, फेल तो सभी होते हैं, तो फिर से ट्राई करते हैं और देखते हैं। और इसके ऊपर कूदने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको कंटेनर में जाने के बाद आपको इसके ऊपर कूदना है। तो कूदने के बाद आप यहाँ से पीक भी कर सकते हो, आप छुप के बैठ भी सकते हो, एनिमी को पता भी नहीं चलेगा आप इसके ऊपर बैठे हुए हो। तो यार, अभी मैं बताने वाले हूँ हमारे फाड़ू सा ग्लिच के बारे में, जो है आप स्मोक के अंदर भी देख सकते हो कि एनिमी कहाँ है, और आप खुद को भी स्मोक के अंदर देख सकते हो। तो यार, ये एक है स्मोक को डिसेबल कर देना, ठीक है। स्मोक को फेंक के आप स्मोक को डिसेबल भी कर सकते हो। तो यार, चलिए देख लेते हैं वो वाला भी ग्लिच। तो यार, ये देख सकते हो मैं अपने ट्रेनिंग मोड पे आया हूँ, तो कुछ स्मोक वोक उठा लिया मैंने। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि स्मोक फेंक रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यार, ये स्मोक फेंकने के बाद आपको क्या करना है, हाई टॉस में स्मोक फेंकने के बाद आपको और एक बॉम्ब लेना है लो टॉस में, फिर आपको वो कैंसिल कर देना है। अब देखें कि क्या हुआ। तो गाइज, आपको क्या करना है, एक स्मोक बॉम्ब लेना है, उसको हाई टॉस में फेंकने के बाद उसको लो टॉस कर दीजिए और एक बॉम्ब लेके, और उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। कैंसिल जब भी प्रेस करेंगे तो ये स्मोक डिसअपियर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं डिसअपियर हो गया। तो ये सिर्फ आपका स्मोक बॉम्ब के साथ स्मोक बॉम्ब, ग्रेनेड के साथ ग्रेनेड, और हमारा जो ये हैस्टन हैस्टन के साथ होता है। तो यार, ये मोलोटॉप के साथ नहीं होता, लेकिन ये जितने भी चाहो उतने डिस्टेंस से ये ग्लिच वर्क करेगा। तो यार, कोई ऐसा बात नहीं है कि आपको सामने ही जाना होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि कितने दूर पड़ा है। देख सकते हैं आप, स्मोक डिसअपियर हो गया। वो ट्रेनिंग मोड वाला बंदा बौखला गया, मैं दिखा रहा हूँ आपको कि उसके ऊपर ये ग्लिच ट्राई करने के बाद क्या हुआ। तो यार, आप देख लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और नीचे कमेंट कर दीजिए कि आप कैसे कैसे क्या क्या करने वाले हैं इस स्मोक बॉम्ब के ग्लिच से। तो यार, चलता हूँ, आज के लिए इतना ही था।